हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज है होली, सो हैप्पी होली टू एवरीवन। आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्योंकि आज होली है, मैंने सोचा कुछ भी होली से इंस्पायर हम फोटोशूट करते हैं आज, और उसका जो PTS है आपके साथ भी शेयर हो जाएगा और साथ में एक मिनी व्लॉग भी। तो अभी मैं उठी हूँ, जैसे मुझे देख के पता ही चल रहा होगा। तो अभी मुझे भूख लग गया, तो मुझे पता चला कि मम्मी ने नाश्ते में क्या बनाया। नाश्ता वाश्ता करके पेट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम रेडी वेडी हो गए, फिर फाइंड आउट करते कि मैं एग्जैक्टली करना क्या है आज, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं सोचा। बस रैंडमली मुझे सुबह लगा कि यार कुछ करना चाहिए। तो मैंने नाश्ता कर लिया है और मैंने अच्छे से अपने बालों पे और बॉडी पे और फेस पे भी अच्छे से ऑयलिंग कर ली है। ग्लो दिख रहा है, ग्लो, लाइट चली गई, यही तो बाकी रह गया था। कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आउटफिट के लिए मैं इसको पहनती हूँ। अभी तक मैंने इस पर कुछ ऐसा शूट किया नहीं है और कलर भी मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और यहाँ पे मैं से बेडशीट पे तो कर नहीं सकती, बिकॉज यहाँ कलर्स गिर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसको अच्छे से पूरा बिछा लूँगी, उसके बाद यहीं पे करेंगे हम शूट। तो अभी मैं वेट करती हूँ, जैसे लाइट आएगा तब तक मैं आउटफिट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। अगर मेकअप वेकअप करना है थोड़ा बहुत तो वो भी कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। सो आई एम डन विद माई आउटफिट एंड मेकअप। मेकअप के लिए मैंने बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस लिपस्टिक लगाई है और आईलाइनर लगाया, क्योंकि वैसे भी कलर्स में कहाँ ही हमारा मेकअप दिखने वाला है। और मैंने थोड़े से ऐसे पिंक और येलो कलर खुद ही लगा लिया अपने बालों में। बाकी जो भी मैं ज़्यादा कलर्स चाहिए वो मैं एडिटिंग से कर दूँगी, मैं फेस पर तो नहीं लगाने वाली ज़्यादा कलर, और हाथों पर भी है। तो और सेटअप के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे बेड पे ही इसे अच्छे से सजा लिया, ताकि मैं कलर्स वगैरह का बाई चांस फेंकती हूँ यहाँ पे तो मेरी बेडशीट गंदी नहीं होगी। और यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड के ऊपर ही मैं यहाँ पे फ़ोन लगा दूँगी इस एंगल पे, और नीचे से लेट के फिर फोटो खींचने का मूड है मेरा। और यहाँ पे ही हम रिंग लाइट भी लगा देंगे, और अगर इससे अगर इससे पूरा कवर नहीं होता, अच्छे से एंगल नहीं आता है, तो फिर मैं दीदी से हेल्प ले लूँगी, वो मेरी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींच दे शायद। तो चलो करते यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, करते हैं। सो आई एम डन विथ माई शूट, और फोटोज़ अच्छी आई है बहुत ही। और अभी ये कलर जो देख रही है मैंने ही लगाया, ये कुछ जैसे पड़ोसी मामी लोग सब आ गए थे तो उन लोगों ने लगाया, मुझ पर तो थोड़ा रहम कर दिया। मैंने कहा कि मेरे नए कपड़े पहने तो मुझे कम कलर्स लगाए, और दीदी और मम्मी को तो बहुत ज़्यादा लगा दिए। तो अभी मैं जाके नहाऊँगी, उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करूँगी और सो जाऊँगी। तो इसलिए आज का ब्लॉग बस इतना सा ही। तो आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।